फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस की 98 में। और अभी तक आपका कितना सेट हो चुका है? सेट 15। ठीक है, आप लोगों को याद होगा अभी तक कितना सेट हो चुका है? सेट 15 हो चुका है और आज आपका सेट 16 होने वाला है। ठीक है, 16वां सेट आप आज आपका होगा किसका? टॉप 1000 क्वेश्चन का ये सेट आपका चलेगा। ठीक है, ये सेशन आपका चलेगा, ठीक है, जब तक आपका 1000 क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए। तो 450 तक आपका क्वेश्चन हो चुका था फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, और आज आपका 451 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, 451। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। और हाँ गाइस, पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि अभी तक इतना क्वेश्चन हो चुका है आपका कि आपका एक्यूरेसी चेंज हो गया होगा, और कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन आप करेक्ट हर सेट में करते होंगे। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी आपका जरूर चेंज हो गया होगा, तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वाटर ड्रॉप डू नॉट स्टिक टू द ऑयली सरफेस, मतलब वाटर ड्रॉप तेलीय सतह पर क्या होता है? नहीं टिकता है। इसका रीजन क्या है? लैक ऑफ एडहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन यानी सतह तनाव जिसको हम लोग कहते हैं, एक दूसरे से मिलता नहीं है, कैन नॉट मिक्स इच अदर, या क्या बोला है लास्ट में, वाटर इज लाइटर देन ऑयल, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? बी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सतह तनाव के कारण क्या होता है पानी के ऊपर? क्या होता है? ऑयली ऑयल क्या होता है? नहीं टिकता है। ठीक है, और बहुत ऐसा रीजन है जैसे एडहेसिव फोर्स, हम लोग क्या बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स और एक क्या होता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये आपको बताया जाएगा बाद में। कोहेसिव फोर्स, इसमें क्या होता है एडहेसिव फोर्स, क्या होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको क्या बोलते हैं? एडहेसिव बोलते हैं। और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाला फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स होता है। तो ये आपको बताया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है? सरफेस टेंशन का कारण क्या होता है? ऑयल पानी के साथ क्या होता है? नहीं टिकता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ मोमेंटम, गति का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी, या नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करती है तो वो गति करती रहेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये जो नियम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को जड़त्व बोलते हैं, ठीक है, इनर्सिया कहते हैं हम लोग इसके, क्या इसको क्या बोलते हैं? जड़त्व। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, मतलब न्यूटन के पहले नियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ इनर्सिया बोल सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ क्या? इनर्सिया, जड़त्व का नियम। और लॉ ऑफ इनर्सिया सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था, ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनर्सिया के बेस पे ही न्यूटन फर्स्ट लॉ बनाया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लॉ ऑफ इनर्सिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्सिया किसने दिया था। तो सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था इनर्सिया के बारे में, ठीक है, उसके बाद न्यूटन ने खोज किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तल पर एक तरल के दबाव की मात्रा की गणना करने के लिए इनमें से कौन सी चीज आवश्यक नहीं है, मतलब इसको एक समझे कैसे, क्या पूछ रहा है? जैसे कंटेनर लिया गया, ठीक है, और इसमें कोई भी लिक्विड जैसे पानी को रख दिया गया है, तो मान लिया जाए हम लोग इस हाइट पर प्रेशर लेते हैं, या इस हाइट पर प्रेशर कितना होगा? तो जो प्रेशर होगा, मान लिया जाए ये हाइट आपका कितना है? एच हाइट है, हम लोग सपोज कर लिए कितना हाइट है? एच हाइट है। और पानी का डेंसिटी कितना है? हम लोग रो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डेंसिटी को रो बोलते हैं, हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर निकाला जाए तो किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो आप लोग इसको याद करके रख लीजिएगा, प्रेशर बराबर आपका क्या होता है? रो जी एच, ये आपका होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, प्रेशर बराबर क्या होता है? रो जी एच। इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सभी को मालूम है इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर सीजीएस में दिया रहे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या है आपका? हाइट है। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पर डिपेंड करता है,
हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार हमको चेक करना है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट पर डिपेंड करता है तो ये हमारा नहीं होगा। सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ वेसल, सरफेस एरिया मतलब ए के बारे में पूछा गया एरिया, तो एरिया पे क्या होता है डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ का एरिया हमको मालूम नहीं है तो क्या हो? यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है एरिया नहीं दिया गया है तो क्या होगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। डू नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, डू नॉट अपॉन एरिया, ऑप्शन क्या होगा बी, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना प्रेशर है, ठीक है। जैसा मान लिया जाए एक सरफेस एरिया इतना है और एक बहुत छोटा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर लिया जाए तो प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, अगर एक लाइन में हो तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अगर एक लाइन पर जैसे मान लिया जाए ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया, यहाँ पे पॉइंट लिया गया, मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग सरफेस बना देते हैं सरफेस एरिया और यहाँ पे बहुत छोटा सा बनाते हैं। अब पूछा जाएगा कि इस लाइन पर मान लिया जाए ये एच हाइट पर है, ठीक है, एच हाइट पर है, ये पूछा जाएगा कि इतना हाइट पर प्रेशर कितना होगा, तो दोनों में प्रेशर कितना होगा, दोनों में प्रेशर सेम होगा क्योंकि हाइट पे डिपेंड करता है एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है, मतलब वेटलेस फील करता है, इसका रीजन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होने के कारण क्या होता है वेटलेस फील करता है, और इसका मतलब कि अर्थ पे कितना फोर्स काम कर रहा है, जीरो फोर्स काम कर रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जीरो एट अर्थ, ठीक है, पृथ्वी पर शून्य। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त में स्थिर गति से साथ एक वस्तु क्या होता है, मूव करता है, तो आपको इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको बताया गया था, जैसे मान लिया जाए ये क्या है, सरफेस है, ठीक है, वृत्त है, इस पॉइंट से कोई भी वस्तु क्या होता है स्टार्ट होता है मूव करना और इसी पर आकर क्या होता है रुक जाता है, ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक पॉइंट पर क्या होता है आकर रुक जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सभी को मालूम है, यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स आप लगा रहे हैं लेकिन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, तो नो वर्क डन, ठीक है। और भी बहुत ऐसा रीजन है, ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा, क्या होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, नो वर्क डन। और ये वर्क डन में आपको बताया गया है, वर्क पावर एनर्जी जब आपको कराया जा रहा था वहाँ पे आपको ये सारा प्रोसेस बता दिया गया है, ठीक है। कूली वाला भी एग्जांपल आता है, ठीक है, कि अपने सर के ऊपर कुछ लोड लेकर चलता है तो वर्क डन कितना होगा, तो वहाँ पे भी कितना होता है, जीरो होता है। लाइट वर्स का एक माप को क्या कहते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ रॉकेट, स्पीड ऑफ लाइट और स्टेलर डिस्टेंस, तो लाइट ईयर के हम लोग क्या कहते हैं, स्टेलर डिस्टेंस, ऑप्शन डी, ठीक है। लाइट ईयर किसके बराबर होता है, स्टेलर डिस्टेंस को, तारकीय दूरी, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन के ऊपर है, निम्न में से कौन सा सतह तनाव का परिमाण नहीं है, मतलब इनमें से क्या सतह तनाव सरफेस टेंशन के कारण नहीं होता है, ऑप्शन क्या दिया गया, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेन, ये आपको बताया गया था कि सरफेस टेंशन के कारण कोई भी बूंद स्फेरिकल शेप ले लेता है, ठीक है, ड्रॉप क्या होता है स्फेरिकल शेप ले लेता है सरफेस टेंशन के कारण, ये होता है कैपिलरी राइज, ये भी होता है रिमूवल ऑफ डर्टी बाय सोप फ्रॉम डिटर्जेंट, ये भी आपका होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड नहीं होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ लिक्विड नहीं होता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, फ्लो ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं या फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है, कैसे नहीं होगा, ये हमारा विस्कोसिटी कहलाता है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे, विस्कोसिटी के कारण क्या होता है ये होता है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी जितना भी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको रटना नहीं होगा, कॉन्सेप्ट से समझना है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पिछला सेट में आपको करा दिया गया था, यदि कोई व्यक्ति किसी सरफेस पर
क्या है, खड़ा है, तो प्रेशर कितना काम कर रहा है, पी काम कर रहा है। मान लिया जाए यहाँ पे सरफेस में प्रेशर कितना काम कर रहा है, पी काम कर रहा है। अगर वही व्यक्ति अपने अंगूठे पर, केवल अपने एक पैर के एक अंगूठे पर खड़ा हो जाए तो कितना प्रेशर काम करेगा, आपको बताया गया था कितना प्रेशर काम करेगा, प्रेशर डबल हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे कोई व्यक्ति नॉर्मली खड़ा होता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने एक पैर के एक अंगूठे में खड़ा हो तो प्रेशर दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब 2P हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, 2P। पहले से प्रेशर कितना था, पहले जितना प्रेशर होगा उसका डबल हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 459 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक कंटेनर में पहले पानी को लिया गया, ठीक है, उसके बाद उस पानी को निकाल कर उसमें मरकरी यानी पारा को डाल दिया गया, दोनों का मास दिया गया है, दोनों का घनत्व दिया गया है, तो हम लोगों को इसमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पानी का वजन इसमें दिया गया है, पानी का वजन कितना दिया गया है, पानी का वजन, मास कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है। ठीक है, पारा का वजन कितना दिया गया है, जिसे हम लोग मरकरी बोलते हैं, Hg, कितना दिया गया है, वाई दिया गया है। और पानी का घनत्व तो कितना होता है, सभी को मालूम है, आप लोग कमेंट करके बताएं कितना होता है पानी का घनत्व, तो CgS में 1 होता है और SI में 1000 होता है। ठीक है, तो SI में हम लोग का क्या होगा, पानी का घनत्व 1000, और मरकरी का कितना दिया गया है, 13.6 × 10³। तो हम लोग दोनों CGS में भी ले सकते हैं और SI में भी ले सकते हैं, बहुत इजी तरीका से बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रोसेस है। तो क्या होगा, इसको कैसे समझेंगे, एक कंटेनर लिया गया है, ठीक है, उसमें पहले पानी को रखा गया है, उसके बाद पानी को निकाल कर मरकरी को रखा गया है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जैसे ये कंटेनर है, इसमें हम लोग पहले पानी को रख दिए, ठीक है, फिर पानी को निकाल कर उसमें क्या कर दिए, मरकरी रख दिए, मरकरी रख दिए, तो दोनों का मास अलग है, घनत्व तो अलग है, लेकिन एक चीज क्या है, सेम है, वॉल्यूम सेम है, V1 बराबर क्या होगा, V2, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो हम लोग वही चीज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर वॉल्यूम ऑफ मरकरी, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास बाय डेंसिटी होता है, तो मास ऑफ वाटर, वाटर को हम लोग H2O लिखते हैं, ठीक है, बाय डेंसिटी ऑफ क्या, वाटर H2O इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये रिलेशन में हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मास कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है, डेंसिटी कितना होता है, 1000, अगर SI में लेंगे तो, मरकरी का मास कितना दिया गया, वाई दिया गया है, और डेंसिटी कितना दिया गया है, 13.6 × 10³, तो ये 1000 और ये 1000 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकला, वाई इज इक्वल टू 13.6 × x, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चेक कर ले, ऑप्शन क्या दिया गया, सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, वाई इज इक्वल टू 13.6 × x, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, इसको नोट कर ले। और हाँ, डेंसिटी का आपका SI यूनिट या CGS यूनिट भी पूछ दिया जाता है, तो डेंसिटी का इकाई क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, ग्राम पर CC होता है या kg/m³। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पुश और पुल क्या है, पुश और पुल क्या है, सभी को मालूम है ये क्या है, एक तरह का फोर्स है। ठीक है, एक तरह का क्या है, बल है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, फोर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, हवा, मरकरी, दूध या सीमेंट। हवा क्या, एक तरह का वो मिश्रण है, ठीक है, मरकरी, दूध और क्या दिया गया है, सीमेंट दिया गया है, तो सीमेंट भी क्या होता है, मिक्सर होता है, दूध भी क्या है, मिक्सर है, मरकरी आपका क्या होता है, मिक्सर नहीं होता है, मरकरी पारा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तत्व पूछा गया है, एलिमेंट। ऑप्शन क्या दिया गया है? एल्यूमिना, ब्रास, ग्रेफाइट और सिलिकॉन। एल्यूमिना क्या है आपका? एलॉय है। ब्रास भी क्या है? एलॉय है। ग्रेफाइट सिलिकॉन। तो ग्रेफाइट आपका क्या है? कार्बन का समरूप है। सिलिकॉन क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा डी, सिलिकॉन। ये पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड और ग्रुप में पाया जाता है, इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये सब कमेंट करके बताया। सिलिकॉन क्या होगा? एक तरह का एलिमेंट है, तत्व। इनमें से क्या पूछा गया है? सबसे भारी कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम और क्या दिया गया है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबका मॉलिक्यूल्स क्या है? अलग अलग है, ठीक है। एक तरफ क्या है? पानी है और क्या है? अमोनिया है और सोडियम है और क्या दिया गया है? हाइड्रोजन दिया गया है। ये 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और सबका मोल कितना है? सबका मोल समान है, 1 है, ठीक है, 1 दिया गया है। तो सबसे भारी कौन होगा, 1 मोल में सबसे भारी कौन होगा, ये आपको पूछा गया है। तो कैसे काउंट करेंगे? तो इसमें हम लोग चेक करेंगे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ठीक है। तो H2O का कितना होता है, कैसे निकालते हैं, सभी को मालूम है, 2 × 1 + 16 कितना होगा, 18, ठीक है। अमोनिया कितना होगा, नाइट्रोजन कितना होता है, 14 + 3 × 1, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको नहीं मालूम है। अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम है, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, सभी को मालूम है, और परमाणु संख्या कितना होता है इसका, 11। हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 होगा, 2 × 1 कितना है, 2। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, अमोनिया के नीचे क्या है, सोडियम, सोडियम दिख रहा है। अगर इसको हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 23 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल में कितना होता है सोडियम, 23 ग्राम होता है। तो सबसे भारी कौन होगा, सोडियम होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 140 ग्राम में कितने मोल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसके लिए पूछा गया है, सिलिकॉन के लिए। एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, एटॉमिक वेट कितना दिया गया है, एटॉमिक नंबर हम लोग नहीं लेते हैं, कितना लेते हैं, एटॉमिक वेट लेते हैं। अगर एटम है तो क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल के रूप में है तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो सिलिकॉन दिया गया है, ठीक है। एटॉमिक वेट कितना दिया गया है, एटॉमिक वेट परमाणु भार 28 दिया गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 28 ग्राम हो जाएगा। तो 1 मोल में कितना, 28 ग्राम कितने मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर है, ठीक है। तो 140 ग्राम में कितना मोल होगा, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एकिक नियम तो सभी को मालूम है, 1 ग्राम में कितना होगा, 1/28, इसलिए कितना दिया गया, 140 ग्राम दिया गया है। सॉल्व करके बताया कितना आएगा आंसर, ठीक है, कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 मोल हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ऑप्शन ए 5 मोल, इसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यूरिया में कौन सा तत्व मौजूद होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला में CHO, सी का मतलब क्या होता है, कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन और ओ का मतलब ऑक्सीजन। दूसरा क्या दिया गया है, CNO, तीसरा है CNH और चौथा क्या दिया गया है, CONH। यहाँ पे आपको एलिमेंट दिया गया है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं दिया गया है, पूछा गया कि कितने एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो सभी को मालूम है NH2 CONH2 ये होता है, आपको बता दिया गया था, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको सारा चीज बता दिया गया है, यूरिया का भी बताया गया था, NH2 CONH2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CONH2 का होल ट्वाइस, ये भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे आपको कार्बन भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है, नाइट्रोजन भी दिख रहा है और हाइड्रोजन भी दिख रहा है, चारों एलिमेंट क्या है, मौजूद है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी CONH ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तत्व X ऑक्साइड बनाता है,
जिसका फॉर्मूला दिया है XO3। तो यहाँ पे X की वैलेंसी पूछा गया है, वैलेंसी क्या होगा? X हमारा क्या है, O के साथ रिएक्शन कर क्या बनाता है, XO3 बनाता है। ये जस्ट दे दिया गया है, ये आपका मॉलिक्यूलर ठीक है। XO3 ये क्या है, तत्व है। इसका वैलेंसी पूछा गया है, वैलेंसी कितना होगा, तो कैसे निकालता है वैलेंसी, इसको नोट कर ले। XO3 यहाँ पे किसी तरह का चार्ज दिया गया है, माइनस प्लस दिया गया है मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स में किसी तरह का माइनस प्लस है नहीं है ठीक है। इसका मतलब बराबर जीरो करेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस वन के बराबर करेंगे, माइनस टू होगा तो माइनस टू के बराबर करेंगे, प्लस होगा तो प्लस के बराबर करेंगे, कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो है, न्यूट्रल स्टेट में है। तो कैसे निकालेंगे, एक्स का वैलेंसी मान लिए एक्स है, प्लस ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, माइनस टू होता है ठीक है। तो माइनस टू इंटू थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, छः आएगा, सॉल्व करेंगे ठीक है। तो x का वैलेंसी कितना है, प्लस सिक्स, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्लस सिक्स। और ऑक्सीजन का माइनस टू होता है, ये आपको याद रखना है ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। P4 के एक मोल में P परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है P4, वहां पे पूछा गया है कि केवल P में कितने परमाणु की संख्या होगी। तो जैसे मान लिया जाए P4 के रूप में क्या है, फास्फोरस है, तो हम सभी को मालूम है एवोगाड्रो नंबर के क्या होता है, बराबर होता है ठीक है, कितना होता है 6.023 × 10³, ये होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यह किसके बराबर है, P4 के बराबर है ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस, 4 किसके बराबर है, 6.023 × 10³। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, केवल P के लिए पूछा गया, P के लिए मतलब यहाँ पे P2 नहीं है, P3 नहीं है, केवल P के लिए पूछा गया, मतलब कितना, एक P के लिए। तो इसलिए हम लोग एक के लिए करेंगे तो कितना होगा, 6.023 × 10³² 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1.0 क्या दिया गया है, 1.504 × 10³² है, ये हमारा आंसर आएगा ठीक है। अब एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा अंक है, तो क्या करेंगे, 10³³ को हमेशा अलग करके रखेंगे ठीक है। यहाँ पे कितना दिया गया है, 6.023, 6 क्या होता है, 4 से बड़ा होता है, तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 1.504 आएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन क्या दिया गया, ए दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1.504 × 10³² इसको नोट कर ले। इनमें से किसने कहा था कि एटम क्या है, अविभाज्य है, परमाणु विभाज्य नहीं है, तो डाल्टन ने कहा था। ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है, इसमें टाइम नहीं लेना है। ऑप्शन क्या होगा, ए डाल्टन, किसने कहा था परमाणु अविभाज्य है, डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो सभी को मालूम है 23 ग्राम कितना के बराबर होता है, n के बराबर होता है, n का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 6.023 × 10³³, इसका वैल्यू ये होता है। तो हर जगह हमको इसको नहीं लिखना ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, n लिखेंगे, 23 कितने के बराबर है, n के बराबर, तो 46 ग्राम पूछा गया, इसलिए एक कितने का बराबर होगा, n/23, इसलिए 46 ग्राम दिया गया है, तो n/23 × 46 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2n, हमारा इसका आंसर क्या होगा, 2n, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 2n। पदार्थ की अधिकतम संख्या कितनी है, ये आपको बताया गया था ठीक है, जब क्लास कराया गया था पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में, तो आपको बताया गया था कि सबसे अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऐसे हम लोग नॉर्मली कितने पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, सॉलिड गैस लिक्विड, लेकिन अधिकतम संख्या यहाँ पर पूछा गया है ठीक है, मैक्सिमम संख्या पूछा गया, तो कितना होगा मैक्सिमम संख्या, 5 होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 5, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और क्या होता है, सुपर कूल्ड, 5 होते हैं ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, गैस सॉलिड लिक्विड प्लाज्मा और क्या है, सुपर कूल्ड। ये 5 होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है गाइस। ऑप्शन क्या दिया है, सी दिया गया, 5। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, नेत्रदान के दौरान
उपयोग किए जाने वाले आँख का कौन सा भाग होता है, कौन सा हिस्सा आँख नेत्र का दान किया जाता है? तो कॉर्निया क्या होता है, दान किया जाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन दो दिया गया है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, दान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्या दिया गया, ऑप्शन क्या दिया गया, कॉर्निया, कोरोइड, रेटिना या इरिस, क्या होगा, नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, इरिस के द्वारा, ठीक है, आयरिस हम लोग बोलते हैं, इरिस या आयरिस, ऑप्शन क्या है, फोर, इरिस हमारा करेक्ट आंसर होगा। वस्तु की छवि किस पर बनती है, सभी को मालूम है क्या होगा इसके आंसर, ये सब जितना क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देखना और टिक करना है, क्या होगा, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की कोशिकाओं में रेटिना में मौजूद भेदभाव, मतलब कलर डिफ्रेंशिएट, कलर डिफ्रेंशिएट किसके कारण होता है ये पूछा गया आपको, ठीक है, तो क्या होगा, कौन शंकु के कारण होता है, ऑप्शन क्या दिया गया है, कौन, ऑप्शन ए, ऑप्शन वन में दिया गया है शंकु, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या होगा, कौन, जिसे हम लोग शंकु कहते हैं। फंक्शन ऑफ आयरिस, आयरिस का कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, पुपिल के साइज को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, बड़ा छोटा करता है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थ्री दिया गया है, टू रेगुलेट द साइज ऑफ पुपिल, टू रेगुलेट द साइज ऑफ पुपिल, ठीक है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ स्किन डिपेंड ऑफ, त्वचा का रंग किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सी एंजाइम के कारण त्वचा का रंग होता है, मेलालिन, ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर आपका करेक्ट आंसर होगा, मेलालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की सबसे मोटी परत किस पर पाई जाती है, सोल यानी तलवा, हथेली, जांग या सर, तो सबसे क्या पूछा गया, मोटी परत, तो मोटी परत तलवा में ही पाया जाता है और हथेली में ही पाया जाता है, लेकिन दोनों में हम लोग को क्या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा, सोल को देना पड़ेगा, ठीक है, पैर के तलवा को, ऑप्शन वन, अगर तलवा आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है तब आप लोग हथेली मार सकते हैं, ठीक है, टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे दोनों दिया गया है तो तलवा क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको देंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ब्रेन, हार्ट, स्किन या लीवर, क्या होगा, ऑप्शन डी, फोर, लीवर, यकृत हम लोग इसको कहते हैं, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एपिडर्मिस, और उसके नीचे जो पाया जाने वाला, अंदर पाया जाने वाला तत्व है वो क्या है, डर्मिस होता है, लेकिन सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसको अपने याद करके रखना आपको। और आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें क्या क्वेश्चन ऐड हो सकता है, मानव शरीर का सबसे कठिन हिस्सा कौन सा है, बोन, प्लेग, एनिमल, इनेमल और क्या दिएगा, स्कल, खोपड़ी, तो हम यहाँ पे तो सभी को मालूम है ऑप्शन क्या होगा, डी, फोर, खोपड़ी क्या होगा, स्कल सबसे हार्ड अंग है, ठीक है, स्कल ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इनेमल टीथ, एक नाम है इनेमल टीथ, ठीक है, ये क्या होता है, मानव शरीर का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है, इनेमल टीथ क्या होता है, ये आपका बोन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, बोन्स नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है, इनेमल टीथ आपका क्या होता है, बोन्स नहीं होता है, ठीक है, ये क्या होता है, उत्तक होता है, टिश्यू होता है,
उत्तक होता है। तो अगर उत्तक में पूछा जाए कि सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, तो किसको हम लोग टिक आउट करेंगे, इनेमल टीथ को ठीक करेंगे, ठीक है, जो ऑप्शन थ्री में दिया गया है, इनेमल दिया गया है। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए, टिश्यू नहीं दिया गया है, यहाँ पे केवल ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा गया है, तो खोपड़ी कहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या होगा, फोर होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। ये आपको टिश्यू के लिए बताया गया, उत्तक के लिए बताया गया है, मिनरल सब्सटेंस ये होता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म होता है, थैंक यू।